हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मैं आपकी नई कुक, भाजी, बहन, जो भी समझे। मैं बना रही हूँ चिकन और आलू के कबाब। ये भी बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये चिकन है, इसको मैंने उबाल लिया था। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच विनीगर, आधी चमची काली मिर्च, आधी आधी चमची चिली फ्लेक्स, और इसको फिर मैंने थोड़ा इसको इसको मैंने ये चीज़ें सब डाल के उबाल लिया था। और ये आलू उबले हुए हैं, ये अभी जो चिकन है ये हमने इस आलू में डाल देना। वैसे तो चिकन के अंदर सारा मसाला है, लेकिन आलू डालने से वो उसका मसाला कम हो जाएगा। तो मैं उर्दू बोल बोल के थक गई उधर, थे फिर मेरी बहनों से पढ़ाओ ऐसे चीज़। थोड़ा जितना पा लेंगे नमक अधिक चमची, उसके बाद अद्धी पा लेंगे ऐसे काली मिर्च। काली मिर्च पा के उसके बाद ये है जी कॉर्न स्टार्च, कॉर्न फ्लोर नहीं, कॉर्न स्टार्च, ये 3 चमचे भर के हमने इसमें डाल लेने हैं। और मैं इसको हाथों से मिक्स करूंगी, क्योंकि ये चम्मच से सही तरह से मिक्स नहीं होगा। इसको अच्छी तरह से हमने बाइंड कर लेना है सारी चीज़ों को। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं है, चिकन में हमने डाल लिए थे। ये बहुत बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनते हैं। इसको जब आप बना लेंगे, इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे, तो इसके ऊपर आपको कोई अंडा, कोई ब्रेड क्रम्ब कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एट इट इज़ इसको बना के आप रोज़ों के लिए फ्रीज़र में रख सकते हैं। और उसके बाद इसको आप निकालें और चाहे डीप फ्राई करें, चाहे शेलो फ्राई करें, आप जिस तरह चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रोज़ों में बहुत मज़े का लगता है। इसमें चिकन है, आलू है, बच्चे ये चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं। ये हमने अभी जो मिक्सर बनाया है, इसको हम लेंगे ऐसे थोड़ा हाथों से। इसको जैसे आम टिक्कियाँ बनाते हैं, आप किसी भी शेप में इसमें बना सकते हैं, ओवल बना सकते हैं, इसको कबाबों की तरह भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको गोल शेप में बनाऊंगी। और इसको एट इट इज़ आपने बगैर अंडा लगाए इसको फ्राई कर लेना है। ये आप खा के देखिएगा, ये आपको बहुत मज़े के लगेंगे। ये देखें, ये मैं इसको मैं 2-3 आपको बना के दिखा देती हूँ। इसको बना के तुम फ्रीज भी कर सकते हो, थोड़ा दबा के अच्छी तरह से, ताकि जब आप फ्रीज आप इसको फ्राई करें तो ये खुले नहीं। अव्वल तो इसमें जो हमने कॉर्न स्टार्च डाला है उसकी वजह से बिल्कुल नहीं खुलेंगे और बड़ा क्रंची सा टेस्ट आएगा। ये देखें, एक और बना देती हूँ, फिर आप देखें ऐसे दबा के इसको इस तरह दबाएं अच्छी तरह से और इसको गोल शेप दे दें जैसे शामी बनाते हैं। आप चाहे तो उसको ओवल भी बना सकते हैं।